नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आर्मिस क्लास में। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग लघुतरी प्रश्न को देखेंगे। भारतीय भवन का है, मोशन चैप्टर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो भी देखे होंगे। ठीक है बाबू, और यदि आप भारतीय भवन के अलावा भी और भी किसी बुक का सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको भी इस चैनल में मिल जाएगा। जैसे कि आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, एचसी वर्मा का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टैनी मल्होत्रा का है उसका भी, और लखमीर सिंह पर भी काम चल रहा है, कुछ दिन में उसका पर भी वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। इसका तो क्वेश्चन देख रहे हो, यही तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू, कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट में चाल और वेग में अंतर स्पष्ट में, इस जो स्क्रीन पे तुमको नजर आ रहे हैं ये लघुतरीय प्रश्न, फिर बाकी तीन है ग्राफ के क्वेश्चन। ठीक है, चलो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करें कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन तुमको क्या दिया है कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ताजा वो दूरी और विस्थापन में तुमको कॉन्सेप्ट में हमने पहले ही बता चुका हूँ, यदि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देख लो। याद रख लो, दूरी तथा विस्थापन, दूरी कौन सी राशि हो जाती है बाबू, दूरी जो है अदिश राशि हो जाती है। ठीक है, चलो दूरी क्या है, अदिश राशि है, और उसी तरह से विस्थापन क्या है, सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी कभी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन जो है क्या है, जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दूरी का सिर्फ परिणाम होता है दिशा नहीं, इसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, चलो तो विस्थापन क्या हो जाता है बाबू, थोड़ा सा हमें समझना चाहें तो विस्थापन क्या हो जाता है, एक पॉइंट से कहां गया स्कर सर, हाँ मान ले कि एक कोई बिंदु है, एक बिंदु ए है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं बाबू, विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। ये तो आपका अंतर हो गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या कर रहा है कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है बाबू, चाल और वेग में, तो ठीक उसी तरह से चाल चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। चाल को दूरी की मदद से निकाला जाता है, वेग को विस्थापन की मदद से निकाला जाता है, तुम सबको जानते हो। चाल बराबर जो फॉर्मूला हो क्या क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चाल जो है शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, मगर वेग क्या है, शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि चाल में दूरी क्या होता है बाबू, पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि दूरी जो है क्या होता है, हम कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकते, मगर विस्थापन क्या है, जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करे कि धावा की चाल जो है जो 25 किलोमीटर पर आवर है, पर साइकिल सवार की जो चाल है 5 मीटर पर सेकंड, तो इन चाल को घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसके अंक पर मत जाना कि 25 है और ये 5 है, तो 25 वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की यूनिट पर जाना, ये इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर ना, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड। तो तुमको मैंने बताया था बाबू कि किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से हमें गुना करना पड़ता है। ये क्यों करते हैं उसको देख लो बाबू, किसको चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाता है, 1000, तो 1000 हो जाएगा, और 1 आवर में कितना सेकंड हो जाता है, 3600 सेकंड, तो 3600 देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, यहीं से 5/18 आ जाता। ठीक है, चलो तो 5/18, तो 25 × 5/18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कट रहा है नहीं ना, यानी क्या हो जाएगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा, 125 बटा क्या हो जाएगा, या 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड, 18 से इसको भागा दे दो तो क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90, और 18 × 6 क्या हो जाता है, 78 सेकंड, 18 × 6 = 78 सेकंड हो जाएगा, और 17 × 18 = 90, यानी 6.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो धावक की चाल क्या है, 6.2 मीटर पर सेकंड, तो किसका चाल ज्यादा हो जाएगा, तो धावक की चाल जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके अपेक्षा, साइकिल सवार पर, ठीक है ना, साइकिल सवार से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कम। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमसे, पूछ रहा है कि एक समान त्वरण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक समान त्वरण क्या है। तो एक समान त्वरण हम किसे कहते हैं, कि जब किसी वस्तु के वेलोसिटी में बराबर समय अंतराल में बराबर वेग परिवर्तन हो, बराबर वेग परिवर्तन होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे समझ जाओ, मान लीजिए हम दे दिए कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड में इसका वेग क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, और तीसरे सेकंड में इसका वेग क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चौथे सेकंड में इसका वेग है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो, तो देखो ना, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसका क्या हो जाएगा, कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। 10 मीटर पर सेकंड समय 1 ही सेकंड का, इसमें भी 1 सेकंड का समय, इसमें भी क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का, इसमें भी 10 मीटर, यहाँ भी 21 सेकंड है, इसमें भी परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ देख लो क्या कर रहे हैं कि बराबर समय अंतराल में, देखो तो हर जगह 1 सेकंड आ रहा है कि नहीं, तो बराबर समय बराबर वेग परिवर्तन हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, किसी वस्तु के जो है प्रारंभिक चार्ज जो है कितना है, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसका जो त्वरण है कितना है, -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, प्रारंभिक चार्ज यानी यू तुमको दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या वैल्यू कितना दे दिया है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या कह रहा है कि रुकने से पहले ना, तो रुक जब रहेगा तो रुकने के समय क्या रहेगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 ना, तो वी बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो तय की गई दूरी यानी हमें एस निकालना, तो एस हम क्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोशन में क्या हो जाता है, बाबू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, वी का वैल्यू 0 ना है, 0 हो गया, यू स्क्वायर 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 24 सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें किस में चेंज करना है, सबसे पहले मीटर में ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 100 से भागा ना, तो 100 से भागा देते हैं, तो सेकंड है तो सेकंड ही रह जाएगा, तो 24/100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 का -4 का -4 गुना 20, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 0, अरे माइनस ना, -8 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो ये जो -8 है से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 8 इस पावर क्या हो जाएगा, कहां गया भाई कर्सर, 576 बटा कितना है, 4 0, 2 3 4 0। ठीक है, चलो, तो यहां से इस पावर क्या हो जाएगा, 576 बटा 1 0 2 0 3 0 4 0 -8 ना, -8। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, अरे तुम कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, 8 से इसको भाग दे दोगे तो कट जाएगा, 8 से इसको देखो तो 8 7 क्या हो जाता है, 56 ना, हाँ 8 7 56, और 8 2 16 ना, तो 72 बटा कितना हो रहा है, 72/1 2 3 4, इतना क्या आ रहा है, मीटर ना, इतना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, नहीं मीटर में हमने निकाला है, देख लो तो इतना आ गया मीटर तुमको। ठीक है, चलो, डेसिमल कर दो तो 2 2 4 ना, तो 0.0072 मीटर। ठीक है बाबू, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। तुम सब लोग जानते हो बाबू, यदि कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका हर पॉइंट पर उसका क्या होता है बाबू, डायरेक्शन जो है क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेग क्या है, बदल रहा है। ठीक है, तुम त्वरण के डिफिनेशन में जानते हो बाबू कि त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। किसी इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ना, वेग बदल रहा है कि नहीं, एक वृत्तीय गति है तो उसमें वेग बदल रहा है ना। ठीक है, क्योंकि उसका जो चाल चाल एक समान हो सकता है, वृत्तीय गति में वेग एक समान नहीं हो सकता है, यानी इसमें क्या है, त्वरित गति है ना, तो एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण गति में और असमान त्वरण गति में। ठीक है, तो एक समान त्वरण की गति में क्या है बाबू, जब मान लिया जाए बाबू कि कोई है जो कोई गाड़ी है। ठीक है, चलो,
तो कोई गाड़ी जो है मान लिए कि वह 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है, ठीक है, और हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से क्या चल रहा है, और हर सेकंड में जो उसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मान लिया जाए कि पहला 0 सेकंड पर 20 मीटर, यानी अगला सेकंड में इसका वेग बढ़ के क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, फिर इसके अगला में 2 मीटर बढ़ते जा रहा है 24 मीटर, फिर अगला में क्या हो जाएगा 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें कि वह जो वस्तु है जो क्या है एक समान त्वरण की गति, ठीक है। अब तुमसे नेक्स्ट कह रहा है कि असमान त्वरण की गति में कौन होगा, असमान त्वरण में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 20 से चल रहा है और उसके अगला सेकंड में जो वेग है 20 से 30 में भी चल रहा है, अगला सेकंड में जो उसका वेग है कितना से बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड गया, तो 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगला सेकंड में मान लिया जाए कि इसका जो वेग है वो कितना से बढ़ रहा है, इसका जो वेग है बढ़ रहा है मान लीजिए अगला सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगला सेकंड 4 मीटर, 30 और 4 क्या हो जाएगा 27 ना, तो 27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इधर शायद फेस हो रहा है, 27 इधर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या हो गया 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लिया जाए कि इसके बाद फिर से यदि हम अगला में जाए, मान लीजिए कि अगला में 5 मीटर पर सेकंड से काट रहा है, अगला बार क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। देखो तो हर सेकंड क्या हो रहा है, उसका वेग चेंज हो रहा है कि नहीं, हर सेकंड वेग चेंज हो रहा है, मगर क्या त्वरण भी नहीं चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं वो असमान। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया एक समान त्वरण, जो सेकंड वाला एग्जाम्पल हो क्या हो गया असमान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक के लिए क्या करा है उदाहरण दे, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेलोसिटी क्या है उसका 0। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है कि जिसका त्वरण जो है क्या है कॉन्स्टेंट हो, वेलोसिटी क्या है 0। अब यह देखो बाबू, मान लिया जाए कि नीचे से हम कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं नीचे से कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो किसी ने किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा इसका वेग क्या होगा, गेंद का 0 होगा ना, ठीक है, किसी ने किसी पॉइंट पर तो वेग इसका 0 हो गया था, यहाँ से भी क्या आ गया 0, मगर त्वरण हर पॉइंट पर इसका क्या लगता जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है कि नहीं, -10 का हो गया तो -9.8 हो, क्योंकि नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं ना। यहाँ पर देख लो वेग तो 0, त्वरण कॉन्स्टेंट हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया ना, आ गया। अब क्या करा कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही था, उसका त्वरण जो है जो उसके लंबवत, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु जो है एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, ठीक है, और उसका त्वरण जो है जो उसका क्या है उसके लंबवत है, तो एक सर्कल सर्कुलर मोशन ही ले लो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या करें, सर्कुलर मोशन जानते हैं ना कि उसमें क्या होता है वृत्तीय गति में क्या होती है डायरेक्शन उसका फिक्स रहता है, क्या हर पल उसका डायरेक्शन क्या होता है चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जब चेंज हो रहा है तो उसका जो त्वरण है इसमें जो है जिसमें लंबवत रहता है, ठीक है, कैसे रहेगा जिसको थोड़ा सा समझ लो। मान लिया जाए कि ये क्या है अर्थ है, ठीक है, और मून जो है जो अर्थ के चारों, समझ लो कि ये अर्थ है, मून जो है जिसके चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यदि हम चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर हम निकालना चाहिए, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस पॉइंट पर यदि दोनों के बीच का हम निकालेंगे एंगल, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि वृत्तीय गति में कोई वस्तु यदि मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, जनरली हम कहेंगे कि वो उसका त्वरण जो है उसके लंबवत, नहीं तो समझो एक सर्कल यानी कि कोई चौराहा पर क्या है कोई कार जो है मूव कर रहा है, ठीक है, ये चौराहा इस पर एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मूव कर रहा है तो चौराहा तो इस तरह से है, ठीक है, तो कार तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, तो इस पॉइंट पर यदि वह जा रहा है, ठीक है, तो गति इसका तो पता चल गया ना कि इसका गति जो है क्या है पूर्व की दिशा में है, ठीक है, मगर इसका जो वेग है यानी जो त्वरण लग रहा है यानी वेग जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ये उसके ठीक लंबवत हो रहा है ना, ठीक है। वेग जो है जो किसके त्वरण बढ़ रहा है किसके सापेक्ष में, रोड के सापेक्ष में ना, ठीक है, इसलिए इसका जो है क्या होगा लंबवत यानी डेफिनेट। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने में, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि खिलौना द्वारा कार, एक खिलौना कार द्वारा दी गई पूर्ण यात्रा का स्थिति समय ग्राफ तुमको दे दिया है, स्थिति समय ग्राफ इतना दे, किन अवधियों के बीच जो है कार सबसे तेज चल रही है और किस अवधि में कार रुकी हुई है। तो यहाँ पर देख लो तो कार सबसे तेज कहाँ चल रही है, इस पॉइंट पर है जो कार का जो स्पीड का है 30 किलोमीटर पर आवर, आई इस पॉइंट पर क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करें कि किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है, यहाँ पर देखो दो और चार के बीच में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ये तो 8 हो गया, तो
यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में कार जो है सबसे तेज चल रही है। देखो ना, 3 घंटा से लेकर के 8 ही घंटा के बीच में ना कार जो है सबसे तेज चल रही है। कितना का स्पीड से चल रही है कार? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। किस अवधि में जो पूछ रहा है कि कार रुकी है, तो कार रुकी हुई है कौन में भाव? इस पॉइंट पर आकर कार रुकी है, यानी बारहवां घंटा पर क्या है, कार जो है रुका हुआ है। ठीक है, क्या है, बारहवां घंटा पर कार क्या है, रुका है। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी कार रुका हुआ है ना, यानी स्टार्टिंग में भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 0 आवर पर भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है बाबू। चल, और इसमें क्वेश्चन था शायद, थोड़ा सा 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसमें कोई और क्वेश्चन क्या था। हाँ, पूछ रहा कि निर्देशांक रेखा पर किस अवधि में कार जो है घनात्मक दिशा में चल रहा है, तो घनात्मक दिशा में कहाँ पर चल रहा है बाबू? यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओगे तो कहाँ गया? हाँ, इस पॉइंट पर देख लो ना, 0 से 1 का है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी क्या है, घनात्मक दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, नीचे की दिशा में आ रहा है, नीचे की दिशा में आ रही है, ऋणात्मक दिशा। तो 0 से 3 घंटा के बीच में, यानी 0 से 3 आवर में कार जो है क्या चल रहा है, प्लस भी, यानी घनात्मक की दिशा में, और 8 से 12 के आवर के बीच में, 8 से 12 आवर के बीच में क्या है, कार जो है क्या है, निगेटिव। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको क्या कह रहा है कि ए और बी का गति का दूरी समय ग्राफ दे दिया, का दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है? ठीक है, और किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे कौन वस्तु तेज चल रही है, कौन कौन क्या क्या? तो तुमको बाबू शायद एनसीईआरटी में शायद मैंने बताया कि जो भी वस्तु जो जितना खड़ा रहेगा उतना ही उसका चाल जो है ज्यादा ज्यादा रहता है। ठीक है, तीन दिन में खड़ा तुमको कौन लग रहा है, ध्यान से देखो, तो खड़ा तुमको कौन लग रहा है? ये ज्यादा खड़ा है ना, ये जो बन गया है, कहाँ गया ये कर्सर? यहाँ पर देख लो ना बाबू, ये जो है जो लाइन क्या है, ज्यादा खड़ा है देख लो, और ये जो लाइन जो है क्या है, कुछ ज्यादा पड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे तेज कौन चल रहा है, जो ज्यादा खड़ा रहा है तो वही तेज चलता है, यानी ये ज्यादा खड़ा है ना, तो ये जो है क्या है, तेज चल रहा है। ठीक है, चलो, तो पूछ रहा है कि किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी, तो कौन समय पर वस्तु ए निकल रही है आगे? देख लो ना, यहाँ पर इस पॉइंट से क्या है, वस्तु ये जो है जो इससे छोड़कर आगे निकल रही थी, इस वस्तु ए निकल जाएगा 40वां सेकंड में, तो 40वां सेकंड में जो है ए जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल जा रहा है, बी जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल रहा है। ठीक है, किस स्थिति में दोनों वस्तुएं मिल रही है, तो दोनों वस्तुएं 40वें सेकंड पर मिल रही है बाबू, तो 40वां सेकंड पर दोनों वस्तुएं कहाँ रहे मिल रहा है। ठीक है, कह रहा कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है, तो 10 सेकंड पर क्या है, यहां पर हम वस्तु ए के लिए आ जाते हैं, वस्तु ए का यहां पर आ जाओ, 10वां सेकंड पर वस्तु ए का पोजीशन क्या है, यहां पर है लगभग, यदि हम मान लें तो लगभग क्या है, 5 मीटर पर ना, तो 5 मीटर पर है। ठीक है, चलो, ये वस्तु ए की स्थिति है 10 सेकंड पर, और वस्तु बी की 10 सेकंड पर स्थिति क्या थे, वस्तु बी जो है जो 10 सेकंड पर कहां से है बाबू, ए लगभग है, लगभग 10 से स्टार्ट किया, लगभग 12 मीटर पर है, कहां पर इसकी स्थिति, वस्तु बी की ना, वस्तु बी की स्थिति। ठीक है, अब कह रहा है कि 50वें सेकंड पर उसका स्थिति क्या है। ठीक है, तो यदि 50वां सेकंड पर मिला रहा, तो 50वां सेकंड पर ए जो है कहाँ पर है, लगभग 25 मीटर पर है, ए कितना पर है, 25 मीटर पर ना, और ए 50वां सेकंड पर कहाँ है, लगभग 20 मीटर पर है, और बी जो है कितना पर है, 20 मीटर, 50वां सेकंड। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है बाबू, चल अब आ जाओ इसमें आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। अब कहो कि 12वीं, तो 12वां प्रूफ करना है, ये तुमको लेवल का चीज ही नहीं है जो तुमको बताए। ठीक है, इसके लिए तुम, इसके लिए सबसे पहले तुमको समरूपता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समरूपता तुम पढ़े ही नहीं तो कैसे हम तुमको समझा। ठीक है, तो इसके लिए वेट करो।
अब क्या कि किसी कार का 4 समय ग्राफिक तंत्र कार का पहले 3 घंटा उसके बाद के 5 घंटों में और अंत के 4 घंटों में त्वरण कितना, कार में कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल क्या है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे आ जाओ। तो क्या कर रहा है, कार का औसत चाल ये न है, यहाँ पर आ जाओ, कार का 4 समय ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पर देख लो ना, तो ये 0 से 3 के बीच में पूछ रहा था कार का पहले 3 घंटा में क्या हुआ, तो कार का पहले 3 घंटा पर हम आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 किलोमीटर पर आवर, और भी कहाँ तक तो पहुंच रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर ना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटा टी ना, 30 माइनस 0 बटा टी, टी कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 3 घंटा यानी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर क्या, ठीक है। क्या गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको क्या गया, एक्सलरेशन आ गया ना, अब तुमको क्या कर रहा है कि उसके बाद के 5 घंटा में, तो 3 से लेकर के 8 के बीच में इसका त्वरण क्या है, इसका देख लो तो बाबू, यू भी इसका क्या है, 30 ही है ना, देख लो ना, यू भी 30 ही है, ये यू हो गया, और भी क्या है, 30 ही ना, यू और भी यदि दोनों बराबर है, यदि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों यदि बराबर है, तो वो जो वस्तु है और तो क्या होता है उसके त्वरण जो है जो क्या हो जाता है, 0 त्वरण हो जाता है, ठीक है। नहीं तो हम ग्राफ से भी देख रहे हैं, ये ग्राफ में क्या है कि सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये, ना तो खड़ा है ना तो पड़ा है, तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में यदि 4 समय ग्राफ चलती है, तो उसे भी क्या कहते हैं, 0, ठीक है। तो कह रहा है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल ज्ञात करना, तो कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमें क्या निकालना है, 0 से लेकर के 12 तक के ना, तो 0 से 12 तक लेकर के दूरी निकालना है, तो इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा, पहले तो हम 0 से 3 पर निकालेंगे, फिर 3 से 8 पर निकालेंगे, फिर 8 से 12, तो हम तो 8 से 12 तक का त्वरण कितना होगा उससे पहले निकालना, तो 8 पर यू कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, अभी इसका क्या हो जाएगा, 0 ना, 0 किलोमीटर पर आवर, ये बराबर अगेन वी माइनस यू बटा टी ना, तो 0 माइनस 30 बटा टी कितना, 8 से 12 के 4 घंटा ना, 4 घंटा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -30/4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबका त्वरण निकाल लो, तो सबसे पहले यहाँ पर चलो एस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर से, तो एस बराबर यूटी यानी 30 गुने टी कितना है, 4 ना प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू माइनस में ना है, तो माइनस डायरेक्ट हम लिख रहे, तो -1/2 गुना, ए का वैल्यू कितना है, 30/4 ना, 30/4 गुने t² ना, t कितना है, 4 ना, तो यहाँ पर लिख दो बाबू, लिख दो ना 16, ठीक है, तो 4 से 4 मतलब कट गया, ये 2 से 2 मतलब कट गया, तो 30 को क्या हो जाएगा, 120 माइनस 30 दूनी 60 ना, यानी 60 किलोमीटर, ठीक है। यानी 8 से 12 के बीच में इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, और 0 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा उसका निकाल लो, तो ए का वैल्यू तो हमें पता है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से, तो यू का वैल्यू 0 है ना, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 0 हो जाएगा हाफ, ए का वैल्यू 10 ना है, टी का वैल्यू 3 ना, तो 3 गुना 3, ये 2 से 5 मिनट, तो 15 15 45, तो एस का वैल्यू यहाँ से आ गया क्या, 45 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसमें कितना आ गया, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ठीक है। चलो तो अब यहां पर आ जाओ, तो